online classes. So today we are going to see the pass keyword. So what exactly is pass keyword? As you know, in our previous class we have already studied about the pass keyword with the while loop. Now we will see the pass keyword with for loop. So pass keyword is used when we have no content to specify in the for loop, right? जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमें यूज़ नहीं करना है, हमने इसे छोड़ दिया है कि हमें बस इतना हमने फॉर लूप लिया है, अगर हमें कभी आगे फ्यूचर में ज़रूरत होती है तो हम उसमें एक ब्लॉक या एक कोड ऑफ ब्लॉक उसमें हम बढ़ा देंगे. लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ते हैं तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल आ जाता है. तो फॉर लूप हमने चलाया नहीं, लेकिन हमने कभी आगे हमने कभी यूज़ किया या किसी चीज़ में हमें वापस यूज़ हुआ, अगर हमें एकदम ध्यान आ गया, ऐसा कुछ होता है ना, तो हम तब हम उसको यूज़ कर लेते हैं कि हमने फॉर एक्स इन लगा दिया. अब हमें नहीं बताना है कि अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे जाके हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए तब हम उसमें बना दें. तो एक ब्लॉक हमने तैयार करके रखा है, लेकिन अब उसमें भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, हम पास दे देंगे. अगर खाली छोड़ते क्या होगा, एरर आएगा, एग्जीक्यूशन नहीं बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल आ जाएगा जब पास होगा. सो यहाँ पे यही कह रहा है ये कि फॉर लूप कांट बी एम्प्टी, बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव अ फॉर लूप विथ नो कंटेंट, पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर. फॉर लूप खाली नहीं छूटता है कभी भी. अगर आपने फॉर लूप को खाली छोड़ा, दैट मीन्स वहाँ पे एरर अराइज हो जाएगी. टू गेट द रिड ऑफ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ एरर, यू नीड टू यूज़ द पास कीवर्ड, राइट? तो आपको पास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा विथ नो कंटेंट. अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो आप पास कीवर्ड का यूज़ करेंगे. पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर. आपको क्या करना पड़ेगा कि पास स्टेटमेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट को पुट करें ताकि वहाँ पे एरर ना आए, जैसे कि मैंने बोला. सो हियर यू कैन सी एन एग्जांपल हियर. सी फॉर एक्स इन 0 1 2 कॉलन, जैसे ही कॉलन लगा दिया क्या हुआ, यहाँ पे खाली छोड़ दिया तो क्या हो गया, एंड ऑफ फाइल हो गया. यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि प्रिंट एक्स, कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल हो गया, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए. तो एरर दे रहा है तो एग्जीक्यूशन आगे भी नहीं बढ़ेगा. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पे एक पास कीवर्ड यूज़ कर लिया कि खाली तो नहीं छोड़ना है, और एरर से बचने के लिए हमें ऐसा रन तो हो कम से कम, तो ऐसा क्या करें, हम पास कर दें, पास कीवर्ड का यूज़ कर लें. तो हमने क्या किया, पास कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर लिया. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम आउटपुट स्क्रीन पे आ गए, क्योंकि हमारा भले ही कुछ आउटपुट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ हमने कंटेंट डाला ही नहीं है, इस वजह से ऐसा आ रहा है. सो दिस इज़ द वे ऑफ यूजिंग द पास कीवर्ड. नाउ यू विल सी एन एग्जाम्पल ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट ओपन योर पाइथन शेल. तो हम यहीं पर बनाते हैं. मैंने एक a इज इक्वल्स टू एक रेंज ले लेती हूँ. मैंने रेंज ले लिया और रेंज में मैंने 10 स्पेसिफाई कर दिया. आफ्टर दैट प्रिंट करवा दिया मैंने a को. देन मैंने क्या किया कि अब इस रेंज को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने b इज इक्वल्स टू लिस्ट, उसके बाद मैंने उसमें a डाल दिया. फिर मैंने इसमें किया प्रिंट, प्रिंट में मैंने b कर दिया. अब मैंने फॉर लूप लिया, फॉर मैंने x किया, इन किया, मैंने इन में डाला b, क्योंकि हमें कहाँ टपल काय में बन के आ गया है, b में स्टोर है, तो क्या बनाया b कॉलन. अब मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है. ये पहले मैं स्टेटमेंट का बता देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बता दिया कि यहाँ अभी कैसे आउटपुट आएगा, प्रिंट एक्स, ठीक है, सेव इट, देन रन इट. सो हियर यू कैन सी, देखो पहले हमने जब प्रिंट कराया तो हमारा क्या आ गया, अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ए में जब रेंज में एक 10 दे दिया, उसमें स्टोर हो गई, तो
तो प्रिंट ए करवा दिया, बी इज इक्वल टू लिस्ट ए में, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया 0 से लेके 9 तक, प्रिंट हो गया फॉर एक्स। अब एक आइटरेबल वेरिएबल ले लिया, अब वो बी में आइटरेट करेगा जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में है स्टोर। अब प्रिंट एक्स कर दिया, तो जैसे ही प्रिंट एक्स कर दिया तो 0 से लेके 9 तक सब प्रिंट होते गए। लेकिन अब प्रिंट कर दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कोई स्टेटमेंट ना दूँ, तो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया प्रिंट और सेव इट कर दिया, नो कंटेंट। अब रन किया तो आपने यहाँ पे देखा कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल आ गया, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब ये कुछ नहीं हो रहा है, अब ये तो गलत है ना। अब मैं क्या करूँ इस एरर से बचने के लिए, मैं यहाँ पे एक पास कीवर्ड यूज़ करूँ। मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है लेकिन मैं एरर नहीं चाहती हूँ कि ऐसा रेड एरर आ जाए और एग्जीक्यूशन पे हम पहुँचे ही नहीं। तो मैंने क्या किया, सब प्रिंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि वहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर का कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने रन किया तो रन में देखो सारे के सारे बाकी का सब प्रिंट हो गया पास कीवर्ड से। क्योंकि अगर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है एंड इफ यू वॉन्ट टू लीव इट एम्प्टी देन वी विल यूज द पास कीवर्ड, राइट। सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग द पास कीवर्ड। Thank you. Please stay safe during COVID and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.